हेलो बच्चों, कक्षा 9वीं की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत स्वागत है। अपन सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे आज निर्धनता। निर्धनता क्या है, निर्धनता के बारे में पढ़ा। निर्धनता से आप सभी जानते हैं, उसके पास रोटी कपड़ा मकान इन सब चीजों के, तो निर्धनता के बारे में अपन सभी परिचित। निर्धनता किसी समाज में, मतलब कोई भी समाज होता है या कोई व्यक्ति होता है, तो व्यक्तियों का बहुत बड़ा भाग जनजीवन की जो न्यूनतम आवश्यकताओं को क्या नहीं कर पाता, पूरा नहीं कर पाता, और उनकी आवश्यकताएं मतलब अपनी आवश्यकताओं को जुटाने में वो क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। तो इस असमर्थता को स्थिति में अपन क्या कहा जाता है, निर्धनता। इसे अपन निर्धनता कहेंगे। आपका ये जो भाग है अर्थशास्त्र, आपको मैंने पहले बताया था ना सामाजिक विज्ञान में चार भाग हो गए हैं, तो उसके अंतर्गत अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये आपका अध्याय 3 है, निर्धनता एक चुनौती। इसके बारे में तो इस अध्याय में हम किस विषय में, निर्धनता के विषय में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सार्वधिक कठिन चुनौती, मतलब जो समस्या है निर्धनता की, वह भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। उदाहरण द्वारा यह बहुआयामी समस्याओं को चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञान की निर्धनता के प्रति निर्धनता की प्रवृत्ति को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। और निर्धनता के कारण आपको सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपाय की चर्चा की गई। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके इस अध्याय को क्या किया, समापन किया गया। तो निर्धनता के विषय में आपको बताया था, अभी बिल्कुल बेटा मैंने बताया कि बच्चों अभी बताया मैंने कि व्यक्तियों को बहुत बड़ा, तक जो व्यक्ति है का बहुत बड़ा एक भाग जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, इस स्थिति को क्या कहा जाता है, निर्धनता कहा जाता है। निर्धनता का अर्थ मतलब आपको खाना नहीं मिल पा रहा है और आपके पास ना रहने के लिए घर है ना मकान है, ये निर्धनता का एक मुख्य कारण यह भी है। तो इस पर अपन चर्चा करेंगे। इसके आगे इसका एक परिचय, अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते, आप कभी रास्ते पे चलते रहते हो, कुछ देखती हो ना कि कुछ बच्चे या कुछ लोग मतलब भिखारी, मतलब जो भीख मांगते हैं या कुछ जिनको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सोचना पड़ता है, आप देखते होगे कि आप अगर जा रहे हो आपसे कोई बोले मतलब कुछ मांगे, तो वो भी एक निर्धनता कहलाएगी। जिसके बारे में हम सोचते हैं वे निर्धन, जैसे मान लीजिए गाँव में जिनके मतलब जो भूमि जिनके पास नहीं है, भूमि श्रमिक हो गए, शहरों में भारी भीड़ वाले झुग्गियों में रहने वाले लोग, ये सब क्या है। और जो आप देखोगे पूजा स्थल होते हैं वहां पर या निर्माण स्थल में दैनिक वेतन में जो काम करते हैं वो श्रमिक भी हो सकते हैं। और जैसे आप देखोगे छोटे छोटे दुकानों में काम करने वाले, ढाबों में काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनका जीवन यापन बाल श्रमिक भी होते हैं, बच्चे भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता को क्या करते हैं, वास्तव में देखते हैं ना, जब अपन कहीं जा रहे हैं कोई भीख मांग रहा है बच्चा, अपन मंदिर ही जाते हैं तो खूब सारे लोग भिखारी लोग लाइन बनाकर बैठे, तो ये सब क्या है, ये निर्धनता के कारण ही ये सब क्या करते हैं, अपना भीख मांग कर जीवन गुजार करते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति क्या है, वास्तव में हर चौथा व्यक्ति अर्थ यह नहीं है कि 2012 में मोटे तौर पर कहा जाए कि 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग क्या है, निर्धनता में जीते हैं। इसका कारण, इसका सही अर्थ है कि विश्व में भारत में, मतलब जो इसका अर्थ यह भी है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनता का संकेंद्र है, तब भारत ही निर्धनता का क्या है, एक प्रकार से केंद्र है। यह इस चुनौती को अपन को क्या करता है, गंभीरता से दर्शाता है। तो निर्धनता के विषय में, मतलब सर्वाधिक, मतलब भारत में सबसे अधिक कौन पाए जाते होते हैं,
बच्चों इसके बाद आपको बता दूं कि सामाजिक उपार्जन लोगों की आय को क्या करती है, कम नहीं करता बल्कि उसके लिए अधिक क्षति पहुंचाता है। इसमें मतलब असुरक्षा का निर्धारण, परिसंपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, तो इसमें आपको समुदायों के आसपास विकल्प होता है। भारत में मतलब आपको बता दूं सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से निर्धनता, क्योंकि निर्धनता के अनेक पहलू होते हैं, तो उसमें सामाजिक, उसमें अचूक के माध्यम से, उसको सूचकों के माध्यम से देखते हैं तो समानता प्रयोग किए जाने वाला सूचक भी होते हैं जिससे आय और उपभोग का स्तर संबंध होता, मतलब आपकी जो निर्धनता है आपकी आय और उपभोग पर भी क्या करता है, निर्भर करता है, संबंधित है। निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण मतलब जो निर्धनता है उसको निरक्षर, मतलब जिनको कोई इच्छा नहीं, उसका स्तर। कुपोषण रोग प्रतिरोधक क्षमता की क्या करता है, कमी करता है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी करता है, रोजगार के अवसरों में कमी करता है, सुरक्षित पेय व स्वच्छता तक पहुंच की कमी को आदि में सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा गया है। इसमें सामाजिक अपवर्जन, असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण बहुत सामान्य होता जा रहा है। तो निर्धनता, अब हम निर्धनता को निरक्षरता, कुपोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता का भी सुधार कर सकते हैं आदि कमी को, जैसे हम अन्य सामाजिक सूचकों को क्या करते हैं, अपवर्जन को सुरक्षा पर आधारित होता है। फिर भारत में निर्धनता का अनुपात 1993 में कैसा था, 1993-94 में लगभग कैसा था, 45% था, और वर्ष 11-12 में लगभग कितना हो गया, 22% हो गया। तो किसी भी समाज में व्यक्ति की मतलब आपको बता दूं किसी भी समाज में व्यक्ति निर्धन, मतलब जो निर्धन व्यक्ति है उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाना क्या कहलाता है, निर्धनता। निर्धनता पर भुखमरी और आश्रय न होना, निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और असुविधाओं का अभाव होना, ये सब क्या है जो निर्धनता के कारण है। और सामाजिक अपवर्जन लोगों में आय की बहुत कम करता है बल्कि इसे क्या कहलाता है, अगर आपको सामाजिक अपवर्जन लोगों में आय की बहुत कम नहीं करता बल्कि इससे कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता। फिर है असुरक्षा का निर्धारण, निर्धनता के कारण आप में असुरक्षा भी रहेगी, जिससे आपके निर्धन है आप तो आपके पास उतना मतलब उतनी आय नहीं होगी कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों को, आजीविका को खोजने के लिए आपको विकल्प से होता है, मतलब विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। फिर उसके बाद है निर्धनता रेखा से क्या आशय है। निर्धनता रेखा मतलब जो है वो नागरिकों के, जो निर्धनता रेखा नागरिकों का न्यूनतम आर्थिक स्तर को क्या करता है, कम करता है, और जीवन निर्वाह के लिए क्या होता है, ये आवश्यक होता है। तो निर्धनता के कारण व्यक्ति अपने निर्धन माना जाता है, उसका आय उपभोग का स्तर कैसा होगा, न्यूनतम स्तर का होगा, और वह अपनी आवश्यकताओं को एक दिए गए समूह में पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, आवश्यकता को पूरा करेगा। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करना, जैसे आवश्यक वस्तुएं क्या हो गई उसके लिए, मतलब विभिन्न कालों में है, मतलब विभिन्न मतलब देशों में विभिन्न में अंत काल में निर्धन रेखा भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक देश एक कैसा है, काल्पनिक, मतलब जो निर्धनता रेखा होती है विभिन्न देशों में कैसी होती है, काल्पनिक होती है, और उसे स्ट्रिक्टन मतलब जो सामाजिक मापदंडों से वर्तमान के अनुरूप उसे क्या करते हैं, मान लो उदाहरण देती हूँ मैं आपको, एक तो अमेरिका के उस आदमी पर निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। अमेरिका में ऐसे व्यक्ति को निर्धन माना जाता है जिसके पास क्या नहीं है, कार नहीं है, बल्कि जबकि भारत में अब भी कार रखना एक विलासिता मानी जाती है, मतलब कार आवश्यक नहीं है लेकिन अमेरिका में कार आवश्यक है, इसलिए वहां पर अगर किसी व्यक्ति के पास कार नहीं होगी तो वह क्या होगा, मतलब वो होगा निर्धन व्यक्ति माना जाता है। भारत में निर्धनता का रेखा का निर्धारण कम करने के अंतर समय जीवन। फिर
जो भारत में, भारत में जो स्वीकृत आवश्यक ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी, 2400 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, नगरी को 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने, जो कैलोरी है उनकी पूर्ति करने के लिए आयु, लिंग, काम करने की प्रवृत्ति आदि के आधार पर कैलोरी की आवश्यकता क्या होती है, बदलती रहती है। और प्रतिदिन 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक कार्य करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य होते हैं तो लोग क्या करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरों की तुलना में अधिक मानी जाती है। इसमें अनाज आदि के रूप में कैलोरी की आवश्यकता को खरीदने के बाद प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमत में ध्यान रखते हुए समय समय क्या कर सकते हैं, इसको संशोधित कर सकते हैं। निर्धनता का आकलन हर 5 वर्ष पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा कराए जाते हैं। तो ये जो निर्धनता का आकलन है वह कितने वर्षों में होता है, हर 5 वर्ष में, और इसको कौन कराता है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराया जाता है। और देश की मतलब विकसित जो विकासशील देशों की तुलना में विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर निर्धनता रेखा के लिए समय मानक का प्रयोग करते हैं और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर इसको क्या करते हैं, इसका सर्वेक्षण किया जाता है। फिर न्यूनतम मतलब जो उसके बाद है, भारत में निर्धनता का अनुपात 93-94 में 45% था, जो अब 11-12, अभी तो आंकड़े आए नहीं है इसलिए 11-12 में क्या हो गए हैं, 22% हो गए हैं। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 100 से मतलब जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए 100 में से 43 लोग मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। इस कारण नगरीय क्षेत्रों में 34% मजदूर निर्धनता के क्या होते हैं, नीचे होते हैं। फिर बिहार उड़ीसा मतलब जो बिहार और उड़ीसा में 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत के 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हैं। इसमें पंजाब और हरियाणा राज्य उच्च कृषि वृद्धि के लिए निर्धनता मतलब जो पंजाब है और हरियाणा ये उच्च कृषि के लिए निर्धनता को कम करने के लिए पारंपरिक रूप से क्या है, सफल रहे। तो ये आपका निर्धनता के लिए। फिर है इसके बाद है विश्व बैंक को भी क्या किया है, इसमें परिभाषित किया है प्रतिदिन 1.9 से कम जीवन निर्वाह करना रहने वाले लोगों को अनुपात में 1990 में 36% था और 2015 में ये कितना हो गया, 10% हो गया। ऐसे इसी प्रकार चीन में निर्धनता की संख्या 1981 में 88.3% थी, जो अब घट के 14.7% और 2010 में ये कितनी हो गई है, 5% रह गई, 0.5%। उसके बाद दक्षिण एशिया के देशों में, दक्षिण एशिया के देश हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इसमें जो निर्धनता की संख्या है वह 34% से गिर के 2013 में 16.2% दर तब जैसे जैसे आप समय बढ़ता गया वैसे वैसे निर्धनता भी क्या होती गई, कम होती गई। फिर संयुक्त राष्ट्र के नए विकास के लिए 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उन्हें अपने विकास के लिए 2030 में मतलब जो आने वाले सत्रों में मतलब सतत उनके विकास कार्य चल रहे हैं और 2030 तक वे गरीबी को खत्म करने के लिए क्या है मतलब उन्होंने इसको माना है। भारत में निर्धनता निरोधी कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम 2005 में राष्ट्रीय